दोस्तों काफी दिनों से मैं YouTube पर आस लगाए बैठा हूं कि बहुत जल्द मेरे चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसकी खुशी पर मुझे YouTube जो सिल्वर प्ले बटन होता है, जैसा कि आप सबको ही पता है कि 1,00,000 सब्सक्राइबर जब किसी चैनल पर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको सिल्वर प्ले बटन दिया जाता है YouTube की तरफ से। मैं भी यही सोच करके बैठा था कि जब मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो YouTube की तरफ से मुझे सिल्वर प्ले बटन दिया जाएगा, यही सोच करके मैं बैठा था। लेकिन अब मुझे जाकर के पता चला कि मेरे चैनल पर तो सिल्वर प्ले बटन कभी मिल ही नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर YouTube मुझे मेरे चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बावजूद भी सिल्वर प्ले बटन नहीं दे रहा है और ना ही देगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों, क्या रीज़न है। देखो गलती तो मेरी ही है, ठीक है, मेरी ही वजह से मेरे चैनल पर आज सिल्वर प्ले बटन मुझे YouTube की तरफ से नहीं मिल रहा है और आगे चलकर भी शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर अगर आपके भी कभी, देखो सिंपल सी बात है, मेहनत करते हो आपके भी कभी 1,00,000 सब्सक्राइबर जरूर कंप्लीट हो गए, तो आप ये वीडियो जरूर देखना ताकि आपसे जो मैंने गलती कर दी ना वो आप ऐसी गलती मत करना, वरना आपका भी ये सपना सपना ही रह जाएगा कि मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर सिल्वर प्ले बटन दिया जाएगा, ठीक है। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, सिल्वर प्ले बटन का सपना मुझे बहुत ही दिनों से था, क्योंकि आपको पता जब मैं पहले क्रोमा की वाली वीडियोस बनाया करता था, क्रोमा की अप्लाई करके बैकग्राउंड चेंज करके, तो मैं पीछे एडिटिंग करके कुछ इस प्रकार से सिल्वर प्ले बटन लगाया करता था। मतलब इंतजार तो मुझे बहुत दिनों से कि यार कब मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो और कब मुझे यूट्यूब की तरफ से ये प्ले बटन मिलेगा, लेकिन आज वो सपना सपना ही रह गया, या कहूँ कि सपना चुकना चकना चूर हो गया, क्योंकि अब मुझे पता चल रहा है कि अब मेरे चैनल पर मिलने ही वाला नहीं है। तो आखिर कौन सी मिस्टेक है जिसकी वजह से मेरे चैनल पर नहीं मिलने वाला है, तो मैं सिर्फ बताने वाला नहीं बल्कि आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड्स करके यहाँ पर मैंने सर्च कर रखा गूगल में, एंड यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूँ तो सबसे पहला जो इसका क्राइटेरिया होता है, जब आपके यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो आपको देख सकते हो सिल्वर, ठीक है, सिल्वर प्ले बटन दिया जाता है, सिल्वर वाला प्ले बटन आपको यूट्यूब की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। इतना तो मेरा कंप्लीट है, 1,00,000 सब्सक्राइबर तो मेरा कंप्लीट है, फिर आखिर क्यों नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखो कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा है योर चैनल इज एक्टिव लास्ट 6 मंथ, मतलब कि लास्ट 6 मंथ में आपने कोई ना कोई वीडियो अपलोड होना ही चाहिए आपके चैनल पर, मतलब आप एक्टिव हो कुल मिला के। तो मैं तो भैया पर डे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 2 दिन में 3 दिन में या फिर पर डे का एक वीडियो आ ही जाता है, तो मैं तो पूरी तरीके से एक्टिव हूँ, तो इसका ये तो रीज़न नहीं हो सकता मेरे चैनल पर सिल्वर प्ले बटन अवार्ड ना मिलने का। उसके बाद नीचे देख सकते हो यू हैव नॉट रिसीव ए कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लास्ट 365 डेज, मतलब कि आपके चैनल पर लास्ट 365 दिन के अंदर अंदर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, और यही मेरे चैनल पर रीज़न है। मेरे चैनल पर आपको पता है कि अभी जस्ट कुछ एक महीना पहले ही 10-15 दिन ही हुआ होगा, ठीक है, 10-15 दिन पहले ही मेरे चैनल पर YouTube की तरफ से एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई थी, और उससे पहले भी एक पड़ी थी, और इसमें तो कह रहा है कि लास्ट 365 दिन के अंदर अंदर आपके YouTube चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब मुझे कभी मिलेगा, क्योंकि हर महीना या फिर 2 महीने में 3 महीने में मेरे चैनल पर कोई ना कोई स्ट्राइक आ ही जाती है, ठीक है। उसके बाद भी कुछ नीचे कंडीशन है, तो वो तो मैं नहीं बात करने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरा मेन रीज़न है वो मैंने आपको बता दिया कि मेरे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ी है, और इसी के रीज़न से मुझे यहाँ पर YouTube का जो सिल्वर प्ले बटन अवार्ड है वो नहीं मिल रहा है। YouTube चैट से भी मैंने बात करी तो उन्होंने काफ़ी सारा मुझे बताया कि मतलब सबसे पहले तो उन्होंने बधाई दी कि आपके 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप ये चीज़ क्लेम कर सकते हो, मतलब कि आपको एक रिडीम कोड मिलता है जो कि डालना पड़ता है। तो जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे बस बधाई दी और मुझे 7 दिन का वेट करने के लिए कहा कि जब आपका 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है तो आप 7 दिन वेट करो, फिर उसके बाद आपके पास कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे पास मैसेज आ जाएगा और ना ही आएगा, क्योंकि मैंने जब वहाँ पर उसका जो क्राइटेरिया है आपका 365 दिन के अंदर अंदर 0 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होना चाहिए, लेकिन मेरे चैनल पर तो एक्टिव है, अभी भी एक स्ट्राइक पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे सिल्वर प्ले बटन नहीं मिल रहा है। तो आपका भी अगर एक यूट्यूब चैनल है तो इस तरीके से आपको मेहनत करना है कि आपके चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना आने पाए, वरना आपके 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बावजूद भी आपको यूट्यूब की तरफ से सिल्वर प्ले बटन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो ये तो जब 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अगर मेरे चैनल पर कोई स्ट्राइक नहीं आती तब तो मुझे ये प्ले बटन मिल जाएगा, और अगर स्ट्राइक आ गई तो फिर ये सपना सपना ही रह जाएगा।
ठीक है, क्योंकि एक स्ट्राइक आ गई फिर 365 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, फिर आ गई फिर इंतजार करना पड़ेगा। और मुझे तो नहीं लगता कि एक साल के अंदर अंदर कोई स्ट्राइक ना आए, क्योंकि देखो बीच बीच में स्पॉन्सरशिप करना होता है तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन सब आप लोग की दुआ है, देखते हैं अगर कुछ मतलब कि रूल चेंज होता है या फिर 365 दिन लिखा तो गया है लेकिन हो सकता है कि जो मेरी एक्टिव अभी स्ट्राइक पड़ी है वो रिमूव होने के बाद, 2 महीना उसका बचा है, 60-70 दिन बचा है, तो हो सकता है कि वो रिमूव होने के बाद ठीक है मतलब कि मैसेज आ जाए मुझे सिल्वर प्ले बटन के लिए मतलब अप्लाई करने के लिए, तो अच्छी बात है। लेकिन लिखा तो 365 दिन है तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है तो आप ध्यान देना कि अगर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से बचना है, वरना आपको भी ये चीज़ नहीं मिलेगी। बाकी मैं यूट्यूब को थैंक्स भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो वो टिक मार्क होता है ना चैनल के आगे, जब मैं किसी के पास कमेंट करूँगा तो आगे टिक लग के आ जाएगा, वो मेरा फाइनली इनेबल हो चुका है। आप कहो तो मैं उसका ट्यूटोरियल भी बना दूँ किस तरीके से वो चीज़ इनेबल होती है 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है बना दूंगा, ठीक है नीचे आप कमेंट कर देना। बाकी अगर आपका कुछ डाउट हो, आपका कुछ क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं बातचीत करता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।